हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम स्केड्यूल एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस विद रिगार्ड टू जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जी हाँ जो लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सर्व करना चाहते हैं एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट तो उनके रिगार्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है अब क्या है वो नोटिफिकेशन और उसके तहत आपका कब तक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम हो सकता है और कब तक नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखना और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को अब यह है वो पी जो कि रिलीज़ किया गया है 17 अक्टूबर 2024 को और वो कहता है कि एज़ पर डायरेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द मॉडल ईयरली कैलेंडर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट आर पब्लिश्ड एज अंडर मतलब क्या है कि जो ईयरली कैलेंडर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस पोस्ट के लिए वो ऐसा कुछ है वो पहले कहता है कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो एक्टिविटी है मतलब पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो आपका सेकंड वीक ऑफ दिसंबर जी हाँ इस साल के सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका जो नोटिफिकेशन नोटिफाई कर दिया जाएगा अब ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कब होगा वो होगा आपका सेकंड संडे ऑफ जनवरी जी हाँ नेक्स्ट ईयर जो कि 2025 होता है उसका सेकंड संडे ऑफ जनवरी को आपका ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट होगा ठीक है अब कौन सी एजेंसी कराती है वो अभी ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हुआ है बट बेस्ड ऑन पास्ट प्रेसिडेंट्स जो कि आपका एन ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था जी हाँ मैं पास्ट का बता रहा हूँ आपका पास्ट का जो जी का एग्जाम हुआ था वो एन ने कंडक्ट करवाया था अब उसका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट का रिजल्ट कब तक आ सकता है वो आ सकता है बिफोर संडे ऑफ फेबररी बिफोर फर्स्ट संडे ठीक है फेबररी का 2025 का ठीक है अब नेक्स्ट आपका कंडक्ट ऑफ टाइपिंग स्पीड टेस्ट स्पीड टेस्ट कब कंडक्ट होगा आपका थर्ड संडे ऑफ में डिक्लेरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट बिफोर फर्स्ट संडे ऑफ मार्च कंडक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अब इससे एक चीज क्लियर हो गई होगी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा फिर आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा फिर आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट आपका इंग्लिश का होता है वो जनरली हंड्रेड मार्क्स का होता है ये प्रीवियस ईयर में हुआ है इस बार कितना होगा वो अभी तक तो नहीं पता बट आप मोटा मोटा मान के चलिए कि सौ मार्क्स का होगा जिसमें दो क्वेश्चन होते हैं एक प्रेसी राइटिंग और एक एस लिखना होता है या फिर लेटर राइटिंग भी आ सकती है ठीक है तो आप इसी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का एग्ज़ाम सोच के चलिएगा नेक्स्ट आपका अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर इंटरव्यू कब तक हो सकता है वो आप हो सकता है आपका बिफोर सेकेंड संडे ऑफ अप्रैल 2025 ठीक है अब इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा आपका सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ मई और आपका जो मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका लास्ट वीक ऑफ मई तक एक्सपेक्टेड हो सकता है ठीक है गाइज जो लोग जेसीए का पूछ रहे थे कि कब तक एग्जाम कंडक्ट होगा कब तक आपका वैकेंसी नोटिफाई होगी तो एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो दिसंबर में होगा और months, जी हाँ मई 2025 तक आपका जो मेरिट लिस्ट और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आप लोगों को जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा अब जेसी के रिगार्ड में मैंने कई और वीडियोस भी बना रखी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पे प्लीज जाके देखिए प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है जीसीए के और आपके क्या पर्क्स होते हैं क्योंकि सबको पता है कि ऑल ओवर लाइफ टाइम आप दिल्ली में रहेंगे तो मोस्ट स्टेबल पोस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेड पे ऑफ फोर्थ फोर थाउजेंड टू हंड्रेड बयालीस सौ की आपकी स्टेबिलिटी वाली काफी अच्छी खासी जो लोग डेली में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है है की पोस्ट ठीक अब हम और आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो है आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट ठीक है और कोर्ट मास्टर की टाइम पीरियड आप देख ही रहे तीस से चार थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ दिसम्बर थर्ड और फोर्थ संडे ऑफ जनवरी में आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा टाइपिंग होगा फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट आएगा सेकेंड संडे ऑफ फेबररी में ऑन और बिफोर है स्टेनोग्राफर का आपका टेस्ट फोर्थ सैटरडे एंड संडे ऑफ फेबर आपका एम टेस्ट स्टेनोग्राफर टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू विल बी ऑन बिटवीन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई ठीक है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी मेड इन द थर्ड वीक ऑफ मई ठीक है ये हो गई बात क्लियर आपकी अब सिंगल पोस्ट और फ्यू पोस्ट ठीक है सिंगल पोस्ट और फ्यू पोस्ट होते कई बार आपका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग होता होता है ठीक है बट आपका जो जे का आपको मोटा मोटा समझ आ गया है कब हो जाएगा और आपको एस और पर्सनल असिस्टेंट और कोर्ट मास्टर एस का भी हो चुका है क्लियर ठीक है गाइस ये हो गई वीडियो आज की मेरी तरफ से आपके लिए जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो रिक्रूटमेंट आने वाला है उसके रिगार्ड में अगर और भी कोई आपकी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा और मेरे चैनल पे जाके ज़रूर जेसीए कि जितने रिगार्ड में वीडियोज़ हैं चाहे वो आपकी प्रमोशन आस्पेक्ट की हो चाहे वो पर्गस की हो वो जरूर देखिए ठीक है गाइस ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग